हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कोई गर्भ निरोधक गोलियां लेनी चाहिए या नहीं। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कोई गर्भ निरोधक गोलियां जैसे अनवांटेड 72 या आई पिल या और कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का यूज करना चाहिए या नहीं, तो इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्तनपान के दौरान इस तरह की कोई भी नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक साल तक आपको इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो क्योंकि ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसमें बहुत तेज़ हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इनमें से किसी एक गोली का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उस हार्मोन को ये दबा सकती है और आपका मिल्क सप्लाई कम हो सकता है। तो इसीलिए एटलीस्ट एक साल तक आपको इनमें से कोई भी नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियां बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। और क्या करें अगर गलती से आपने ले ली है, तो आपको जैसे नहीं पता था कि ये आपको नहीं लेनी होती है लेकिन गलती से आपने ले ली है, तो आपको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी ना करें। जैसे 4-5 घंटे के लिए बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना कराए। 6 महीने से अगर आपका बच्चा बड़ा है और तब आपने कोई गर्भ निरोधक गोली ली है तो 5-6 घंटे के लिए आप ज़रूर से बच्चे को ब्रेस्ट फीड से रोके, और तब तक आप बच्चे को कोई और सॉलिड चीज़ें या और कुछ खिला सकते हैं। और उसके बाद 4-5 घंटे के बाद बच्चे को दोबारा से ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये पिल्स लेने के बाद आपकी मिल्क सप्लाई कम हुई है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 6 महीने से पहले तो आपको गलती से भी बिल्कुल भी इनमें से कोई भी गोली नहीं लेनी चाहिए, और गलती से ले ली है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जरूर से जाए। और उस एक साल के दौरान आपको गर्भ निरोधन के लिए क्या करना चाहिए, तो वैसे नॉर्मली बोला जाता है कि पहले 6 महीने में अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराते हो, मतलब आप सिर्फ अपना दूध बच्चे को पिलाते हो, ऊपर का कुछ नहीं देते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे 98% चांस होता है कि उस दौरान आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन वहाँ पर भी 1-2% चांस है कि प्रेगनेंसी रुक सकती है, तो ये 100% सेफ नहीं है। तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर से मिले। लैक्टेशनल पिल्स दी जाती है उस दौरान महिलाओं को गर्भ निरोधन के लिए, जो कि बिल्कुल सेफ होती है, आपकी मिल्क सप्लाई को वो कम नहीं करती है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ इसके बारे में ज़रूर से डिस्कस करें। और एक साल तक आपको जो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल होती है या जो नॉर्मल गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो बिल्कुल नहीं लेनी होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।